विधानसभा चुनावों में विकलांगों और वरिष्ठ मतदाताओं को उनके मतदान के अधिकार और विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इसके लिए ग्राम पंचायत पालानदूर, कौलेवाड़ा, खराशी, मुरमाड़ी, दिघोरी, नानहोरी और अरविंद योग साधना केंद्र भवानी में स्वीप कार्यक्रम के तहत ईवीएम और वीवीपैट पर जागरूकता लाई गई। साकोली विधानसभा क्षेत्र के तहत लाखनी तालुका में स्वीप कार्यक्रम के तहत सफाई कार्यक्रम के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए तहसीलदार मलिक वीरानी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत स्तर पर मतदान प्रक्रिया को समझाने के लिए एक बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 25 सितंबर को ग्राम पंचायत पालानदूर, कौलेवाड़ा, खराशी, मुरमाड़ी, दिघोरी, नानहोरी और अरविंद योग साधना केंद्र लाखनी आदि ने यह दिखाते हुए मतदान प्रक्रिया के महत्व को प्रदर्शित किया कि विकलांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान के लिए आगे आना चाहिए। मतदान केंद्र पर विकलांग मतदाताओं को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी, इसके अलावा मतदाताओं को मतदान बिंदुओं को वितरित करने, उन्हें मतदान करने में सहायता करने के लिए घर से मतदान केंद्र तक लाने और पहुँचाने के लिए आवश्यकता अनुसार मतदान के लिए सहयोग करने के लिए स्तनपान कराने वाली माताओं को मतदान के लिए कतार में खड़े होने के बिना जल्द से जल्द मतदान करने के लिए, मतदान की प्रक्रिया को विकलांग मतदाताओं द्वारा जल्दी मतदान करने की सुविधा के साथ साथ ईवीएम और वीवीपैट पर प्रदर्शनों की सुविधा दी गई थी। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान की आवश्यकता है। ईवीएम और वीवीपैट का जन जागरूकता कार्यक्रम पौनी के बेलघाट वार्ड में हनुमान मंदिर के हॉल में हुआ। इस समय प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं द्वारा मतदान की प्रक्रिया को समझाया गया था। टीम लीडर वी के ब्राह्मणकर, तलाठी एमडी इप्पर, तलाठी श्याम तुरस्कर ने इस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम ने प्रदर्शन के दौरान नागरिकों द्वारा किए गए मतदान की पुष्टि की और अन्य मतदान प्रक्रिया को समझाया। इस समय मतदान के लिए आगे आने की अपील की गई।